बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अमन लखवी। आज हम यूनिट सेकेंड डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, हमारे पास वही मेथड है और उसी तरह हमारे पास इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। एस का ए पार्ट है, एस इज इक्वल टू 2t माइनस 3 एंड हमारे पास इंटरवल क्या है, t1 इज इक्वल टू 2 एंड t2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये है हमारे पास इंटरवल। अब हमें पता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या है, हमारे पास डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल x, ठीक है। ये है हमारे पास फार्मूला, इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको लेना है। ये देखिए हमारे पास गिवन है s इज इक्वल टू 2t माइनस 3, ये कोई भी फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ s इज इक्वल टू, सॉरी f ऑफ t होगा, f ऑफ t इज इक्वल टू 2t माइनस 3। ये हमने t किस तरह लाया कि हमने इसकी t की वैल्यू कोई ना कोई पुट करनी होती है, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल इसमें टी है, एफ हमारे पास फंक्शन का उन्होंने नाम दिया गया है, नाम दे दिया है, जैसे वो पहले वाई दे देते थे, ठीक है। एफ ऑफ टी हमारे पास ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ ऑफ टी प्लस डेल टी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस डेल टी माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ टी प्लस डेल टी। अब देखें हमारे पास मेन चीज़, उसके बाद मैं कर लेती हूँ डेल्टी। डेल्टी हमारे पास होता है t2 माइनस t1 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड डेल्टी क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ये हमारे पास डेल्टी आ गया। अब हमारे पास फार्मूला तो x की फॉर्म में है, हमने क्या करना है, सिंपल x को t से रिप्लेस कर देना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं करती हूँ पुट वैल्यूज, ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एस बाय डेल टी। देखें ये y की जगह हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का नाम s है और चेंज x की बजाय हमारे पास t में आ रहा है, तो हम करेंगे डेल एस बाय डेल टी विच इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस डेल टी, हमारे पास क्या है 2 इंटू टी प्लस डेल टी ब्रैकेट क्लोज माइनस t, ये इस तरह, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है। ये हमारे पास आ गया माइनस एफ ऑफ टी, हमारे पास क्या है एफ ऑफ टी जो हमारे पास गिवन है 2t माइनस टी माइनस 3 सॉरी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2t प्लस 2 डेल टी हमारे पास हो जाएगा, माइनस 3 है, इसको मैं अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये माइनस 2t प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या है डेल टी है। ये हमारे पास 2t माइनस 2t से कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल, हमारे पास रह क्या जाएगा प्लस 2 डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है, डेल टी से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हमारे पास ये आंसर आ गया। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम इसके बाकी पार्ट करते हैं। अब देखें पार्ट बी को मैं देखती हूँ, सब एक ही मैथड है सबका, ठीक है, सिर्फ जो है हमारे पास वैल्यूज चेंज होंगी और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की ही फॉर्म है, ठीक है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। बी पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, और इंटरवल क्या है t1 है, सॉरी x है, x1 है हमारे पास 3 एंड x2 क्या है हमारे पास 3.1, ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल है। अब हमने क्या करना है, लेट हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट y is equal to f of x is equal to x square minus 6x plus 8. ये हमारे पास f of x की वैल्यू आ गई। f of x plus del x क्या हो जाएगा हमारे पास, is equal to x plus del x का whole square minus 6 into x plus del x plus 8, ठीक है, ये है हमारे पास। और del x हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें del x हमारे पास आ जाएगा 3.1 माइनस 3, तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.1, ठीक है, ये हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू आ गई है।
ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू थी और ये हमारे पास हमने लेट में जो ले ली है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को, पुट करते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज का जो हमारे पास फार्मूला है वो मैं ऊपर रेस कर चुकी हूँ। चले अगेन लिख लेते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, इसमें हम पुट करते हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स होल स्केयर माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ रेस करके इसी साइड पे इसको करती हूँ। ठीक है, वैल्यूज पुट करती हूँ तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हमारे पास इसको पुट करने से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एक्स प्लस डेल एक्स का स्केयर माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एट एंड ये माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, अब हमें फार्मूले की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसका फार्मूला ओपन करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स डेल एक्स प्लस एट इसी तरह आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस एट होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस एट माइनस एट से कैंसिल, माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स से कैंसिल। पीछे रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डेल एक्स माइनस सिक्स डेल एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। डेल एक्स को मैं कॉमन लेती हूँ, डेल एक्स कॉमन लेने से डेल एक्स प्लस टू एक्स आ जाएगा, यहाँ माइनस सिक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डेल एक्स डेल एक्स से कैंसिल। डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.1 आई थी। ठीक है, प्लस टू इंटू एक्स की हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन होगी, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, वन मिनट, टू थ्री थी। ठीक है, एक एक्स वन हमारे पास थ्री था, माइनस सिक्स था हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0.1, ये प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1। ये था हमारे पास बी पार्ट। अब हम इसका करते हैं सी पार्ट, तो देखते हैं सी पार्ट में हमारे पास क्या है फ्रेंड्स। असल मैं इसका फॉर्मूला ओपन लिख देती हूँ जो मेरे से रेज हो गया ताकि वो आपके सामने रहे। ठीक है, वेट एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या है, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, इसको मैं वन का नाम दे देती हूँ। अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट में हमारे पास है ए इज इक्वल टू पाए आर स्क्वायर। देखिए, अब हमारे पास ये भी एक फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या है, आर वन क्या गिवन है, टू है हमारे पास, एंड आर टू क्या गिवन है हमारे पास, आर टू है हमारे पास 2.1। ओके, अब हमने क्या करना है, लेट में कर लेती हूँ, लेट हमारे पास ये जो है ए इज इक्वल टू, मैं इसको कर लेती हूँ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाए आर स्क्वायर। मैंने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ये क्या हमारे पास है एफ ऑफ आर, आर क्यों, देखिए हमारे पास पाए तो कांस्टेंट है, हमारे पास चेंजिंग किस में आएंगी, आर में आएंगी, ये हमारे पास एफ ऑफ आर है, एफ ऑफ आर प्लस डेल आर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पाए आर प्लस डेल आर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ आर का आंसर, सॉरी एफ ऑफ आर प्लस डेल आर, ये आर है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास डेल आर की क्या वैल्यू है, इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन होता है, ये होगा 2.1 माइनस टू विच इज इक्वल टू 0.1। अगेन हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 0.1। अब हम पुट कर देते हैं ये आर वैल्यूज किस में, आर वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ आर प्लस डेल आर क्या है हमारे पास, पाए इंटू आर प्लस डेल आर होल स्केयर माइनस एफ ऑफ आर क्या है हमारे पास, पाए आर स्केयर
होल डिवाइडेड बाय डेल आर होगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो मैं देखती हूँ कि हमारे पास आता है, देखें पाई इसी तरह रहेगा आर, ये फार्मूला ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डेल आर। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ पाई को, ये हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डेल आर स्क्वायर, सॉरी डेल आर स्क्वायर प्लस टू आर टू पाई आर डेल आर, ये मैंने डेल एक्स लिख दिया यहाँ पे डेल आर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय डेल आर, मैं डेल आर को कॉमन लेती हूँ, यहाँ से डेल आर हमारे पास कॉमन नहीं जा सकता, सॉरी पाए अब हमारे पास फिर कॉमन नहीं, बल्कि हमारे पास ये पाए आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास टू आर डेल आर, यहाँ पे माइनस पाए आर स्क्वायर भी था ना, इसको हमने कैंसिल नहीं किया, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे पीछे हमारे पास, इसमें से मैं डेल आर को कॉमन लेती हूँ तो हमारे पास रह जाएगा पाए डेल आर प्लस टू पाए आर, ओके डेल आर हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बकाया जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, देखें पाए को मैं इधर से कॉमन लूँ तो हमारे पास डेल आर प्लस टू आर रह जाता है, ठीक है। अब हमने जो है पाए को इसी तरह रहने देना है, पाए की तो स्पेसिफिक वैल्यू होती है हमारे पास, हम देखते हैं डेल आर की क्या वैल्यू है, 0.1 है, प्लस टू इंटू आर, वन क्या था हमारे पास, टू था, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा पाए 0.1 प्लस फोर, ठीक है, ये हमारे पास होल आ जाएगा पाए 4.1 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 4.1 पाए, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास पार्ट सी। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया है, तो लास्ट पार्ट को हम देखते हैं, पार्ट डी है हमारे पास, फाइनल पार्ट है क्वेश्चन नंबर टू का, ठीक है, आसान है सब, एक ही मेथड है, सिर्फ जो है वैल्यू चेंज आ रही है, डी पार्ट है हमारे पास, h is equal to under the root t minus 9। अब ये उस फॉर्म में क्वेश्चन है जो मैंने आपको डी पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का खुद जो है करने के लिए दिया था। अब देखें h t माइनस दिया हुआ है और हमारे पास t1 क्या है 9 है एंड t2 क्या है 16 है, ओके अब हमारे पास लेफ्ट में अगेन कर लेती हूँ, f ऑफ t में कर लेती हूँ इज इक्वल टू h इज इक्वल टू अंडर द रूट t माइनस 9, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब मैं सेकंड कर लेती हूँ f ऑफ t प्लस डेल t कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास t प्लस डेल t माइनस 9, ओके नेक्स्ट मैं डेल t फाइंड कर लेती हूँ तो वो हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डेल t आ जाएगा 7, ओके मैं पुट कर देती हूँ ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करने से हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, देखें इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा देखें t प्लस डेल t होल अंडर द रूट माइनस 9, ये है हमारे पास f ऑफ t प्लस डेल t की वैल्यू माइनस फार्मूले का और f ऑफ t क्या है हमारे पास डेल t माइनस 9, ओके अब हमने होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा डेल t, इसको सॉल्व करते हैं देखें डेल t प्लस डेल t माइनस 9, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस t प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय डेल t, ओके अब हमारे पास देखें क्या हो जाएगा डेल माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा t प्लस डेल t माइनस t होल डिवाइडेड बाय डेल t, ओके इसके बाद हमारे पास हो जाएगा अंडर द रूट 7, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ जो हमारे पास देखें t की हमारे पास क्या वैल्यू थी, t की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस डेल t की क्या वैल्यू है 7 माइनस अंडर द रूट t की क्या वैल्यू है 9 होल डिवाइडेड बाय 7, देखें अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन नहीं लिया जा सकता था इसलिए हमने नहीं लिया, इनको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 16 अंडर द रूट माइनस 9 अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 7 एंड ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 7। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू के फोर पार्ट्स थे जो मैंने आपके सामने आज एक्सप्लेन कर दिए हैं,
आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।